किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि तरबूज और खरबूज की खेती करके आप क्या क्या लाभ कमा सकते हैं और इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी फसल को रोग मुक्त कीट मुक्त बना सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ कि खेतों में लगी रबी की फसल फरवरी मार्च तक कट जाती है और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। रबी और खरीफ की फसल के बीच किसानों के खेत खाली रहेंगे और खाली खेतों में तरबूज खरबूज बोकर आप सभी किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। गर्मी के दिनों में किसान खरबूजे तरबूज की खेती कर बीजों से चांदी काट सकते हैं। खरबूजों के बीजों से किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मार्च से मई तक 3 महीने में फसल लेकर फिर अगली फसल खरीफ यानी सोयाबीन कपास धान सहित अन्य फसलों के लिए अपना खेत जून से जुलाई के बीच तैयार कर फसल बो सकते हैं। किसान भाइयों, मार्च में तरबूज खरबूज लगाएं तो 2.5 महीने या 3 महीने में फसल आ जाती है। गर्मी के दिनों में खरबूज तरबूज खूब बिकते हैं और खाली पड़ी ज़मीन का उपयोग भी हो जाता है। किसान भाइयों, मल्चिंग बीज से खरबूज बोने से खरपतवार पैदा नहीं होता, खरपतवार अच्छी तरह से कम हो जाता है और इससे पैदावार आपको अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, फल टूटने के 10 दिन तक खराब नहीं होते, इससे 20 से 30 टन खरबूजा तरबूजा प्रति एकड़ निकलता है। किसान भाइयों, मार्च तक खेतों में लगी गेहूं चना रायड़ा लहसुन की फसल आ जाती है और खेत खाली हो जाते हैं। इसके बाद आप सभी किसान भाई तरबूज और खरबूज की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो फसल देख रहे हैं ये हमारे किसान भाइयों की फसलें हैं, जो तरबूज और खरबूज की फसलें हैं। किसान भाइयों, इसमें से किसान भाई ने बड़े आराम से 22 से 27 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिया है। किसान भाइयों, अधिक उत्पादन के लिए आइए हम आपको बताते हैं कि कब कब कौन कौन से उर्वरक उपयोग करने चाहिए। किसान भाइयों, बीज बुआई के समय 44 किलो DAP, MOP 34 किलो, यूरिया 27 किलो, मल्टीप्लायर 1 किलो कोटिंग करके आपको बुआई के समय पहले उर्वरक के रूप में देना है। उसके बाद चौथे सप्ताह में मतलब कि 27 से 30 दिन के बीच में आपको 44 किलो यूरिया के साथ में मल्टीप्लायर आधा किलो दें और इसके कोटिंग करके देना है इस और आधा किलो आपको सिंचाई के साथ देना है। अगर आप सिंचाई के साथ मल्टीप्लायर नहीं देना चाहते हैं तो इसी 44 किलो यूरिया के में 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके आपको प्रति एकड़ के हिसाब से दे देना है। किसान भाइयों, जड़ों के पास एवं तने से दूर यूरिया की शेष मात्रा प्रयोग करें और प्रारंभिक विकास अवधि के दौरान मिट्टी में अच्छी तरह मिश्रित करें। किसान भाइयों, जब फसल 10 से 15 दिन पुरानी हो तो अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ फसल की अच्छी वृद्धि के लिए मल्टीप्लायर 20 ग्राम स्प्रे प्लस 2 ml, ऑल क्लियर 5 ml और NPK 19-19-19 50 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिशंस या सूक्ष्म तत्व 45 ग्राम के साथ 15 लीटर पानी के साथ में इसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, वह फसल को रोग मुक्त और कीट मुक्त बनाने के लिए फसल की बीज की शोधन करना न भूलें। बीज का शोधन कैसे करना है तरबूज और खरबूज का, आइए इसके बारे में बताते हैं। किसान भाइयों, बीज का शोधन आप जैसे कि 1 पाव बीज है तो आप 1 लीटर पानी ले लीजिए या अगर आपके पास 1 किलो बीज है तो आप 2 लीटर पानी ले लीजिए। 2 लीटर पानी में 5 ग्राम मल्टीप्लायर घोल दीजिए या आप पानी को पहले थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए उसके बाद इसमें मल्टीप्लायर 5 ग्राम घोल दीजिए। इसके बाद इसमें ये 1 किलो बीज डुबो दीजिए। रात भर डुबोने के बाद इस बीज को आप छान लीजिए सुबह जल्दी में और इसको इसमें फंगीसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा है तो 5 ग्राम, कार्बेंडाजिम है तो 2.5 ग्राम, मैंकोजेब है तो 2.5 ग्राम, ऐसे कुछ फंगीसाइड्स हैं, इनमें से कोई एक फंगीसाइड लेकर के आप उचित मात्रा का प्रयोग करके कोटिंग करके छाया में सुखा लें। उसके बाद बीज बुआई करें। किसान भाइयों, इस पद्धति से आपकी जो बीज है वो जल्दी जर्मिनेशन लेगा, जल्दी जर्मिनेशन लेगा तो ये फसल जल्दी तैयार होगी, इसमें रोग और कीट कम आते हैं और ये फसल जल्दी तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इस बीज से आप अपनी फसल को रोग मुक्त से
और रोग मुक्ति और कीट से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, स्प्रे करने का भी बहुत विशेष ध्यान देना है। रोग मुक्ति और कीट मुक्ति के लिए आपको मल्टीप्लायर 20 ग्राम ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायण अस्त्र 10 ml से 12 ml तक आपको पर 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। 15वें दिन से 8 दिन के अंतर पर। किसान भाइयों, यही फसल जब आपकी 45 दिन की हो जाती है तब आपको मल्टीप्लायर 250 ग्राम ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, नारायण अस्त्र 150 ml प्रति 200 लीटर पानी के साथ में आपको 8 से 10 दिन के अंतर पर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अधिक उत्पादन के लिए फल आते समय मल्टीप्लायर 20 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिशंस 45 ग्राम, स्प्रे प्लस 30 ml, NPK 00 52 34 76 ग्राम या 75 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ में 8 दिन के अंतर पर 2 बार स्प्रे करें। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ आप फल का आकार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, उसकी फसल फल की जो उत्पादन आएगा उसकी चमक बढ़ाने के लिए आप मल्टीप्लायर, आपने देखा होगा कि तरबूज और खरबूज की फसलों में अगर सही से ट्रीटमेंट ना किया जाए या सही समय पर उर्वरक का जो उचित मात्रा उसका प्रयोग ना किया जाए तो फल फटने लगते हैं, छोटे रह जाते हैं या टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। ये स्प्रे है, फल का आकार जब डेवलप होने लगे, बढ़ने लगे, तब इसको यूज करना है। किसान भाइयों, इसमें बोरान 20 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिशंस या सूक्ष्म तत्व जिसे कहते हैं 45 ग्राम, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, 15 लीटर पानी के साथ में 8 दिन के अंतर पर 2 बार स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अगर आप ये सभी प्रोडक्ट या सभी जरूरी उर्वरक उपयोग करते हैं तो आपकी फसल पूर्ण रूप से रोग मुक्त होगी, कीट मुक्त होगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, जो किसान भाई अभी तक मल्टीप्लायर का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो एक बार अपनी फसल में थोड़े से एरिया में इसको जरूर उपयोग करके देखें, आपकी फसल ज़्यादा उत्पादन देने योग्य बनेगी। इसी के साथ ही साथ बहुत सारे किसान भाई हैं जो मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, तो अगर आप उसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं तरबूज और खरबूज की खेती करने वाले किसान भाइयों का नंबर भी दे सकता हूं, आप जिनसे बात करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक ऐसी तकनीक है जो बहुत ज़्यादा DAP, बहुत ज़्यादा यूरिया प्रयोग करने के कारण जो खेत की मिट्टी कड़ी हो रही है, जिसके कारण पानी आपको खेत में सिंचाई ज़्यादा लगती है, जिसके कारण आपकी फसल में जो है बार बार खाद देने की जरूरत पड़ती है, बार बार सिंचाई जरूरत पड़ती है, ज़्यादा सिंचाई और ज़्यादा उर्वरक देना पड़ता है और खर्चे ज़्यादा लगते हैं। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल ज़मीन से करें, जिससे मिट्टी की जो कड़ापन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका 3 महीने के अंदर आपकी खेत की जो कड़ी मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी। उस खेत की मिट्टी में, जिस खेत में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, उसमें केंचुओं का अच्छे से आवागमन शुरू हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का बढ़ोतरी होगी, आपके खेत में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ये सभी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है फसल ज़्यादा स्वस्थ होगी, ज़्यादा भोजन बना पाएगी और ज़्यादा उत्पादन देने योग्य बन पाएगी। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। जो किसान भाई मल्टीप्लान मंगवाना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके मल्टीप्लान मंगवा सकते हैं और उसे अपनी फसल में, चाहे वो थोड़े एरिया में उसका उपयोग करें, उपयोग करके उसका जल देख सकते हैं। जो किसान भाई अभी तक मल्टीप्लायर उपयोग नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार ज़रूर उपयोग करें। जो किसान भाई मल्टीप्लायर उपयोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट के बारे में भी कमेंट के माध्यम से या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे फ़ोटोज़ और वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसकी डिटेल दे सकूँ। किसान भाइयों, अगले वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।